स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय बिंदु। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहाँ इंटरनेट की सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, जहाँ इस खास प्रदेश में स्मार्टफोन का अभाव है, उनके साथ हमने जुड़ने की कोशिश की है। आज हमारे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज में रोहतास जो तालाब से है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रोहतास जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्वच्छकार समाज की ओर। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ का है। हमारे दर्शकों तो तमाम जो आज आपको सुनेंगे, आपकी आवाज को सुनेंगे, आप अपना परिचय, जन्म स्थान और कैसी आपकी स्थिति है चारों ओर उसका आप थोड़ा सा आप बताइए हमें हमारे दर्शकों। जी रोहतास जी, जी असल में हरियाणा के झज्जर जिले में तलाव गांव से बिलोंग करता हूं मैं। मेरा जन्म भी वहीं हुआ है और अधिकतर जिंदगी मेरी वहीं बीती है। अब मैं झज्जर में रहता हूं। जी रोहतास जी, मैं जानना चाह रही थी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपको जानकारी है आपके जन्म स्थिति तिथि क्या है? हाँ, आप क्या एक्चुअल में बताइए। एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ थे कोई स्कूल तो, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ स्कूल जाने का तो मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बहुत ही घोर गरीबी परिवार में जन्म लिया मुझे, और इसलिए कोई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे अपने प्रयास से ही सिविल हॉस्पिटल में बहुत बार प्रयास करने के बाद पता चला कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 1965 है। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने कम से कम पता करने की कोशिश की है। रोहतास जी, मुझे बताइए आपका घर की स्थिति कैसी थी, माँ बाप क्या करते थे, आप किस वर्ग से आते हैं, समुदाय से आते हैं, आप थोड़ा अपने बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी जी, असल में मैं जो हरियाणा क्या पूरे भारत में ही दलितों में सबसे जो नीची जाति मानी जाती है, नीची नहीं है वैसे, लेकिन मान्यता ऐसी है लोगों में कि जिनको वाल्मीकि कहते हैं, को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग शब्दों से उनको पुकारा जाता है, लोकल स्थानीय भाषा में तुड़ा भी बोला जाता है, और वाल्मीकि एक सुधरा हुआ शब्द है। हरिजन भी कहते हैं, भंगी भी कहते हैं, सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, जमादार भी कहते हैं, ये बहुत सारे ऐसे संबोधन हैं जो हमारी जात के पीछे जुड़े हुए हैं। आपके हरियाणा में किस नाम से पुकारा जाता है, भंगी या चूड़ा या वाल्मीकि आपके एरिया में? नहीं, अब तो थोड़ा सा सुधार हुआ है कि वो वाल्मीकि बोलते, लेकिन रूटीन की भाषा में या कम पढ़े लिखे लोग, पुरानी एज के लोग आज भी वही चूड़ा के नाम से पुकारा जाता है। जी 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 हाँ। और मेरा जो परिवार था वो काफी बड़ा था, 8 बहन भाई थे हम। मेरा नंबर, बहन बड़ी थी और एक भाई बड़ा था, तीसरा नंबर मेरा था, बाकी मेरे से छोटे थे। बहुत ही घोर गरीबी में मेरा जन्म हुआ है और जीवन भी मेरा गरीबी में ही बीता है, जिसकी वजह से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पढ़ाई करने का मौका भी मुझे नहीं मिला कहीं भी, और बहुत छोटी उम्र में ही परिवार को पालन पोषण की जिम्मेवारी मिल गई थी, पशुओं को चराना, उनके लिए चारा लाना, दूसरे के खेतों में जाना,
उनकी पता नहीं रोजाना कितनी तरह की यातनाएं सहन करना, मतलब बहुत मैं शब्दों में नहीं कर सकता, मतलब इतनी ज्यादा पीड़ाएं मतलब सहन की है। और उस समय पे मतलब ये कोई गलत भी नहीं लगती थी, एक स्वाभाविक सी चीजें लगती थी कि ये तो हमारे मतलब कर्मों में लिखा है, ये तो हमने भोगना ही है, मतलब अटपटा नहीं लगता था, जो अब लगता है हमें एक जागरूक होने के नाते, एक सभ्य समाज का परिचय जैसे हम हुआ है, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से हम मिले हैं, उनसे जानकारियां मिली हैं, नई चीजों के बारे में जानकारियां मिली हैं, तो इससे यूं लगा कि भी वो जीवन तो हमारा बहुत ही मतलब अपमान भरा था। रोहता जी, अपने आपके माँ बाप क्या काम करते थे, कैसे आपको पाला पोसा? मेरे माँ बाप असल में बेरोजगार थे, दिहाड़ी मजदूरी पिताजी करते थे, उस टाइम पर मैदानी भट्टे होते थे, तो भट्टों पर कभी कभी मजदूरी जैसे कच्ची मिट्टी की ईंटें बनाना, ये काम मेरे पिताजी करते थे। और मेरी माताजी जो थी वो घर में पशु जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, वो रखते थे, हम उस का पालन पोषण में लगे होते थे, मेरी माँ भी उसी में सहयोग करती थी। इसके अलावा मेरी माँ, रोहता जी मैं आपको बीच में एक चीज जानना चाह रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गाय भैंस बकरी ये चराते थे, जैसे हरियाणा के ज्यादातर एरिया में मैंने देखा है सुअर पालने का काम ज्यादातर होता है, मुर्गी पालने का काम ज्यादातर होता है, ऐसा पेशा इसका मतलब आपके यहाँ क्या माँ बाप नहीं करते थे, दूसरों के घरों में काम करने का कुछ ऐसा था? आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या था, क्या पेशा एक तरह से था? सुअर सुअर भी पालते थे उस जमाने में, हम सुअर चरा के भी लाते थे दूसरे के, मतलब अलग अलग, वो सुअर कहीं चले जाते थे किसी के यहाँ खेत में नुकसान करते थे, तो वो मतलब एक घर पे झगड़ा करने के लिए भी आते थे, कई बार झगड़ा भी करके जाते थे, मारपीट भी करके जाते थे, और चेतावनी दे के जाते थे कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा करेंगे हम, करते भी थे वे बहुत सारी बात। और इसके अलावा मेरी माँ दूसरे जैसे साधन संपन्न जो लोग हैं, जाट परिवार, जाट बाहुल गाँव है हमारा, ऊंची जाति का व्यक्ति, उनके घरों में गोबर कूड़ा का काम भी करती थी। जी रोहता जी, मुझे ये बताइए कि आपका आपके जीवन में, आप तो आप परिवार है, आपके पास लड़कियां हैं और तमाम आपका, आपने एक अच्छे मतलब एक वाल्मीकि कम्युनिटी में होने के बावजूद भी अपने समाज के लिए काम भी किया तमाम, आपके यहाँ कैसी स्थितियां रही, आपके आस पड़ोस में वाल्मीकि समाज की कैसी स्थिति है, या खुद आपकी आपके परिवार की कैसी स्थिति, कैसी क्या, आप बार बार एक शब्द का प्रयोग जैसे कर रहे हैं कि बहुत यातनाएं एक तरह से झेलनी पड़ी जो स्वाभाविक भी लगती थी उस वक्त, क्योंकि जैसे जैसे चेतना बढ़ती चली जाती है, चेतना का लेवल हमें समझाता है कि ये सामने वाला जो मेरे साथ बिहेव कर रहा है ये गलत है। आप थोड़े अपने अनुभव, जो एक तरह से मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपको, कम से कम जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस वर्ग से आप आते हैं, उसमें कैसे कैसे क्या क्या झेलना पड़ता है, और अगर उसको बताना पड़ जाए कहीं तो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि वो बताना कितना मुश्किल होता है। लेकिन स्वच्छता समाज की आवाज के यूट्यूब चैनल के लोगों को, दर्शकों को, तमाम व्यूवर्स को हम इसलिए आवाज को लेके आ रहे हैं ताकि उनको, जो तमाम मेरे जितने साथी हैं, तमाम जो लोग जो दर्शक हैं हमारे स्वच्छता समाज के बाहर भी, जिसको आप जनरल कैटेगरी के लोग कह सकते हैं, वो भी ये सुने कि स्वच्छता समाज का दर्द क्या है, उन्होंने कैसे कैसे झेला है, अगर बदलाव आया भी है तो क्यों आया है। असल में आपसे बात करने का, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत मुश्किल होता है अपने अनुभव को साझा करना, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप थोड़े से वो अनुभव जो यातना परक आपको लगते हैं, जो कड़वे अनुभव है, उनसे, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को ये पता लगे, प्रेरणा मिले कि हम ऐसी जिंदगी हम लोग जी के आए हैं, अगर कोई ऐसा अनुभव है तो जरूर शेयर करें, बातचीत की अगली कड़ी में हम जरूर इन चीजों पर और विस्तार। जी रोहता कौशल जी, आपने असल में पुराने दर्द को उजागर कर दिया है। जी बहुत
मुश्किल से बता पाने की हिम्मत में जुटा पा रहा हूँ। मुझे याद आ रही है घटना, जब मेरी माँ गांव में कूड़ा गोबर के लिए जाती थी तो हम साथ में जाते थे, और यूं लगता था जैसे माँ अमावस्या निकालते हैं यहाँ हिंदू परिवारों में, तो उस दिन खीर बनती है यहाँ, और जब यूं लगता था आज अमावस्या है। रोहता जी, मैं एक बीच में आपको टोक रही हूँ माफी मांगते हुए। आप अपनी अपनी जो लोकल भाषा है हरियाणवी, आप उसमें बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, सबने समझ आएगा। आप अपनी बात करिए, हम हमारा ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है, आप परवाह मत करिए हिंदी भाषी लोगों की, आप अपनी भाषा में उन चीजों को रखिए, कोई प्रॉब्लम जी रोहता जी। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे गांव में माँ के साथ जाते थे तो अमावस्या के दिन विशेष तौर पर खीर बनती थी घरों में, और यूं लगता था कि आज तो हमें भी कुछ खीर मिलेगी। तो एक दिन ऐसे ही मेरे हाथ में एक डोली थी जिसमें खीर आ सकती हो, मेरी माँ ने मेरे को दे दी कि भी चल तेरे को खीर इसमें दे के भेज दूंगी और मैं काम कर लूंगी। तो मैं गया तो हमें देखा कि एक तीन चार थालियों में खीर वहाँ उस परिवार में सला के रखी है, मतलब ठंडी होने के लिए रखी थी, और उसमें एक थाली में आके खीर को कुत्ता मतलब जुट्ठी कर देता है, और तुरंत वो आके महिला जो उस परिवार की थी आके कहती है कि ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, देखो इस कुत्ते ने इसको जूठा कर दिया, चलो चूड़ों को दे देते हैं, और वो खीर मेरी डोली में डाल दी गई। और मुझे यूं लगा उस टाइम भी कि जूठी जब ये नहीं खाते तो हम क्यों खाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने कहा आके भी ले जा इसको, और आके हमने वो सब ने खाई। ये बड़ा मेरे जीवन का बहुत ही कड़वा और दर्दनाक दृश्य रहा। दूसरा एक घटना में और मतलब याद आ रही है मुझे कि जैसे हम दूसरे के भैंसों को चराने भी जाते थे, और उस शर्त के मुताबिक 10 रुपए उस टाइम पर हमें पूरे महीने का किराया मिलता था उस भैंस को चराने का। 10-15 भैंस होती थी, साथ में उनके यहाँ एक टाइम पे खाना खाना जाना होता था। तो जैसे एक दिन मैं उनके घर खाना खाने के लिए गया तो कोई हिम्मत नहीं ऐसे होती थी कि भी जाके कोई चार पाई पे या उनके कोई मुड्ढे पे बैठ जाएं, बस मतलब दरवाजे के साथ में चुपचाप खड़ा रहना है, और वो महिला भीतर खाना बना रही है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे मिले। और उस महिला ने एक वो जो चूल्हा, क्योंकि उस टाइम तो चूल्हे होते थे लकड़ी से खाना बनता था, तो मतलब क्योंकि वो चांदने में थी और मैं अंधेरे में था बाहर, तो उसको दिखाई नहीं दिया, उसने फेंक के मारा तो मेरे गोड़े पे वो लोहे की जो फूकनी बोलते हैं, मतलब उस आग को जलाने के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं उसको, फूकनी बोलते हैं उसको, तो वो मेरे गोड़े पे आके लगी और मैं बहुत जोर से चिल्लाया तो उस महिला ने पता लगा कि भी इसको लगी, तो बोली ओहो मैंने तो सोची भाई कुत्ता है और कोई बात ना भाई, और मेरे बहुत कई दिन तक दर्द रहा उसका। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हैं जीवन में। रोहता जी एक चीज और बताइए कि आपने इतना सब झेलते हुए भी आपके अंदर समाज का एक दर्द रहा, आपने समाज में भी काम किया, कोई ऐसा योगदान जो हमारे लिए प्रेरणादायक हो, हमारे दर्शकों के लिए, और बेटी को भी जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने परिवार के बारे में भी, बच्ची आपकी मैंने योगदान स्पोर्ट्स में भी है, तो बताइए थोड़ा सा परिवार के बारे में जी। जी रोहता जी, माफी चाहूंगी मैं सब दर्शकों से, असल में क्योंकि जहां आज हम बात कर रहे हैं वो बहुत दूर का क्षेत्र है, हरियाणा का एक छोटा सा गांव तलाव, वहां नेटवर्क की बहुत का मकसद कि मैं कैसे मतलब एक समाज के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया, बहुत सारी घटनाएं हैं यहाँ, उनका जिक्र करना भी
संभव नहीं होगा, कभी फिर मौका मिलेगा तो करेंगे। उन घटनाओं ने मुझे इस मतलब एक प्रेरणा दी कि मैं कुछ समाज के बारे में और मतलब अपने बच्चों के बारे में, ताकि जो मैंने सहन किया है, मैंने मतलब झेला है, वो कम से कम मेरे बच्चों को ना झेलना पड़े। तो आज मेरे पास 3 बेटियां हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी लाख कोशिश है कि मैं कितना भी संकट में हूँ, कितना भी मुश्किल हूँ, लेकिन मेरी लड़कियों को वो ना झेलना पड़े, ये मैं समझता हूँ। और जी रोहतास जी, मुझे आपसे, क्योंकि हम दोबारा फिर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, आप समाज के, खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों को या स्वच्छकार समाज के विद्यार्थियों को, जैसे कि आपने खुद बताया कि आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी कोशिश है कि तीनों पढ़े, कोई सामाजिक संदेश आप देना चाहें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप जरूर बताए हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहें। मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वे समाज के लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं करें, और विशेष तौर पर वाल्मीकि समुदाय का जो योगदान इस समाज के निर्माण में, मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं है, बशर्ते वो अपने योगदान को समझें। दुर्भाग्य यह है कि वाल्मीकि समुदाय आज भी इस आधुनिक युग में, पढ़ा लिखा इतना भी हो गया समाज, उसके बावजूद शिक्षा में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, अंधविश्वास में डूबा हुआ है, उसको अंधविश्वास से सबसे पहले उठना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने बार बार कहा है, जोर दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और बहुत सारे लिटरेचर भी उनके जीवन से जुड़े हुए यही संदेश दे रहे हैं कि अंधविश्वास को छोड़ो और शिक्षा को ग्रहण करो। शिक्षा में वाल्मीकि समुदाय आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, और इससे उसके एक जो मानसिकता है वो आज भी गुलामी की तरह से ही दिखाई देती है, और वो अपने आप, अपनी जो भूमिका है उसकी, समाज के कितने बेहतर काम कर रहे हैं वे सफाई करके, और दुर्भाग्य यह कि ये जो समाज है वो सफाई से प्यार करता है लेकिन सफाई कर्मचारी से नफरत करता है। इस चीज को वाल्मीकि समाज को समझना पड़ेगा और अपनी हैसियत को आगे लाना पड़ेगा, अपनी जो काम हम कर रहे हैं, जितनी हमारी भूमिका इस समाज के निर्माण में है, उसको स्थापित करना पड़ेगा। यही संदेश मैं देना चाह रहा हूँ वाल्मीकि समुदाय को। जी रोहतास जी, मुझे लगता है हमारे, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं चाहती थी कि आप और ज्यादा विस्तार से बात करते, और अच्छा लगता आपके अनुभव को सुनने का, लेकिन क्योंकि नेटवर्क में आपके यहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग उस चर्चा को उस तरीके से नहीं कर पा रहे। मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब गांव से बाहर आए तो हम एक बार फिर शनिवार को कोशिश करेंगे एक बार आपसे जुड़ने की। तमाम जो मेरे दर्शक हैं, मैं रोहतास जी के अनुभव को और ज्यादा विस्तार से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि समाज ये समझ पाए कि जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते। बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी, जय भीम, जय भारत। तमाम मेरे व्यूअर्स को मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने चर्चा में भाग लिया। एक बार फिर हम दोबारा फिर ऐसे ही किसी ऐसे क्षेत्र से आने वाले किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्तित्व से परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए आप सब सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, और जो आज का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है इसमें और ज्यादा सावधानी रहे, सावधान रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सबसे आज की मुलाकात